पिछोर में शिवपुरी विधानसभा के ग्राम पंचायत उमरी में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जैन के समर्थन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की आम सभा, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। सिंधिया ने कहा कि कमीशन, करप्शन और छोटे भाई बड़े भाई की सरकार चाहिए या विकास की सरकार देखी, और क्या कुछ कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। संवाददाता दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। जब रूपा लोधी को 1250 रुपया प्रति माह खाते में मिल रहा है, तब कमलनाथ जी को खुजली आ गई और उन्होंने कहा, रूपा भाई ये 1250 दे रहे हैं, मैं जब सरकार में आऊंगा, जब सरकार में आऊंगा तब मैं तुमको 1500 दूंगा। तो अगर कमलनाथ जी सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी नैला है, तो कांग्रेस पार्टी के नैले पर भाजपा फैला है। शिवराज भैया ने क्या कहा, अभी 1250, आगे जाके 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 2250 से 2500, 2500 से 2750 और 2750 से 3000। पीछे की मेरी लाडली बहना ताली बजा रही है, आगे की भी बजा कर। 3000 रुपया मिलेगा। और सुन लो रूपा भाई, और सुन लो मेरी सारी बहना, अभी जो 1250 मिल रहा है ना, अगर कांग्रेस की सरकार आई, आपका 1250 सुन लो कान खोल के, क्यों 1250 रूपा भाई के हाथ में नहीं, 1250 कांग्रेस के। क्यों? क्योंकि पिछले बार 15 महीने की सरकार आई तो कांग्रेस ने कन्यादान योजना बंद कर दिया, कांग्रेस ने संबल योजना बंद कर दिया, कांग्रेस ने मेरे किसानों के साथ वादा खिलाफी की, कांग्रेस ने भाजपा के 51 योजनाओं को बंद किया। तो कांग्रेस आना चाहिए कि नहीं? मेरी लाडली बहना बोलो, कांग्रेस आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए कि नहीं? अब रूपा भाई, तीर्थ दर्शन योजना अब रूपा भाई, जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, रूपा भाई गई थी कमलनाथ जी के पास, और रूपा भाई ने कमलनाथ जी को बोला, कमलनाथ जी हम महिलाओं के लिए कुछ करो। तो कमलनाथ जी ने रूपा भाई को क्या बोला, कमलनाथ जी ने रूपा भाई को बोला, बहना तिजोरी खाली है। कमलनाथ जी ने बोला रूपा भाई को, बहना तिजोरी खाली है। निराश होके रूपा भाई उमरी कला वापस आ गए। 15 महीने इंतजार किया, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार बदला, उस वादा खिलाफी तीन सी की सरकार है, कट की सरकार है, कमीशन की सरकार है और करप्शन की सरकार है कांग्रेस सरकार। जब मैंने सरकार बदला, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो फिर रूपा भाई फिर शिवराज भैया के पास गई और रूपा भाई ने अब शिवराज भैया को कहा, शिवराज भैया महिलाओं के लिए कुछ तो करो। तो जहां कमलनाथ जी ने बोला था, रूपा भाई तिजोरी भरी है खाली है, कमलनाथ जी ने बोला, बहना तिजोरी खाली है, शिवराज भैया ने कहा, बहना
तिजोरी तुम्हारी है। और 1250 की योजना शुरू की, महिला सशक्तिकरण की सोच और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस सत्ता की पार्टी है, कुर्सी की पार्टी है, भाजपा आपके आंखों में चमक आए, आपका विकास हो, आपकी प्रगति हो, घर घर में विकास हो, भाजपा उस लक्ष्य की पार्टी है। आज उज्ज्वला योजना के तहत रूपाबाई जैसे 82 लाख महिलाओं को जो लकड़ी से चूल्हे जलाती थी, फेफड़े के अंदर धुआं चला जाता था, गैस का कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलवाया है। आज मध्य प्रदेश में गैस का सिलेंडर रूपाबाई जैसी मेरी बहनों के लिए 450 रुपए में दिलाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। कांग्रेस कहती है 1500 देगी, कांग्रेस कहती है 500 में सिलेंडर देगी। अरे कांग्रेसियों, भाजपा तो आज रूपाबाई को 1250 खाते में डाल रही है, भाजपा तो आज रूपाबाई के घर में 450 की सिलेंडर पहुंचा रही है। ये 5G गारंटी की बात करते हैं, जिस कांग्रेस ने 2G का घोटाला किया वो कांग्रेस क्या 5 गारंटी देगी? 5 घोटालों की सरकार है मेरे भाई और बहनों। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक तरफ आपके पास शून्य की सरकार है, कांग्रेस मतलब शून्य की सरकार, दूसरे तरफ आपके पास कमल के फूल का पुण्य की सरकार है। आज शिवपुरी में जो भी विकास हुआ है, उम्र कला में जो भी विकास हुआ है, वो संध्या ने आपके लिए किया है। ग्वालियर गुना बाईपास की सड़क हो 4000 करोड़ की, चाहे उम्र कला की ये बाहर की सड़क हो जो आपको शिवपुरी के लिए ले जाती है, गड्ढे भरे हुए थे आज मखमल की तरह आपके लिए बना दिया है। चाहे ग्रामीण अंचल में सबस्टेशन लगाने की बात हो, चाहे शिवपुरी में 300 बिस्तर का अस्पताल नवीन 18 करोड़ की बात हो, चाहे शिवपुरी में 200 कहा था कि 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बनेंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे, एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया, 26 लाख झूठे प्रमाण पत्र वितरित किए इन्होंने। इस विश्वासघात का बदला तो मैंने ले लिया, इस कांग्रेस पार्टी और इस जोड़ी को कौन, बड़े भाई, उनको धूल चटा के मैंने बदला ले लिया। 2023 में आप बदला लोगे कि नहीं कांग्रेस में? लोगे कि नहीं? आप पीछे लोगे कि नहीं? वहां पीछे लोगे कि नहीं? मेरी महिलाओं की बात, मेरी महिलाओं के बारे में कांग्रेस में कोई चिंता नहीं करता था। 2003 के पहले हमारा मध्य प्रदेश बलात्कार का मध्य प्रदेश होता था और भ्रूण हत्या का मध्य प्रदेश होता था। पहली बार 55 साल बाद जब भाजपा की सरकार बनी 2003 में, उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुई और अब घर के अंदर बोझ पैदा नहीं होती है, घर के अंदर लक्ष्मी और लखपति पैदा होती है। 1 लाख मेरी लाडली लक्ष्मी के खाते में जाता है और जहां लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, जब मेरी बच्ची स्कूल जाती है और स्कूल में क्लास में अच्छे अंक लेके आती है, माता और पिता का छाती तो फूल जाता है, लेकिन माता और पिता के साथ मध्य प्रदेश की कमल की फूल की सरकार की छाती भी फूल जाती है और मेरी बेटी को
स्कूटी मिलती है, चाहे एक तरफ लाडली लक्ष्मी योजना है, मेरी बेटियों को स्कूटी मिलती है। जब मेरी बेटी शादी की उम्र की हो जाती है और अपने घर को छोड़कर नए घर में बसने का निर्णय लेती है, तब कोई कांग्रेसी नहीं आता, कोई आता तो कमल का फूल आता है। कन्यादान योजना में 55,000 रुपया उस बहू के हाथ में दिया जाता है। सही है कि नहीं? और जब मेरी बेटी 21 साल की हो जाती है तो शिवराज भैया ने लाडली लक्ष्मी जी के साथ लाडली बहना योजना शुरू करा दिया। एक एक बहना के खाते में 1,250 रुपया पहुंचा दिया। आज आ गए खाते में, मेरी लाडली बहना खाते में आ गया। कितनी लाडली बहना है मेरे यहाँ, हाथ उठाओ। खाली लाडली बहना हाथ उठाओ, खाते में आ गया। हर महीने 1,250 आता है। इधर मेरी लाडली 1,250 रुपया आता है इनके खाते में।